हाली नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख मनजीत सिंह जी के पर अमेरिका में हुए हमले पर पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल का कहना ये है कि यह हमला ISI के इशारे पर हुआ है। नूर महल में बीती रात नजदीकी गांव कोट बादल खां में चोरों ने चार दुकानों के ताले तोड़कर अपना निशाना बनाया। मिली जानकारी मुताबिक चोरों ने बिजली के सामान और रिपेयर और बाकी सारा सामान भी चोरी कर लिया है। सभी दुकानदारों ने ये बताया है कि उनका काफी नुकसान हो चुका है और पुलिस को इस बारे सूचना मिल चुकी है। एशियन गेम्स 2018 में साइना नेहवाल सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। उन्होंने थाईलैंड की प्रतिभागी को हरा दिया है। रैया में जीटी रोड पर स्थित रेडीमेड कपड़ों की चार दुकानों में बीती रात आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दुकानों के मकान मालिक अश्विनी कुमार और सुखदेव सिंह ने बताया है कि रात 12 बजे के करीब दुकान में आग लगी और उनको 1 बजे इसकी जानकारी मिली। आज पूरे देश भर में राखी का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू को राखी बांधी। एशियन गेम्स 2018 में घुड़सवारी में भारत के फवाद मिर्जा ने जीत दर्ज कर रजत पदक का देश के नाम किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से हर वर्ष देश के अलग अलग राज्यों से अध्यापकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाओं देने पर 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के मौके पर पुरस्कार दिया जाता है। इस बार पंजाब के 2 अध्यापकों का इस बार चयन किया गया है। आज पूरे देश भर में भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं मलेरकोटला की सब जेल में बंद अपने अपने हवालाती और बंद कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए उनकी बहनें आज जेल पहुंची। एशियन गेम्स 2018 में अनु राघवन 400 मीटर हर्डल रेस के फाइनल में पहुंच चुकी है। एशियाई खेलों में भारत के गोला फेंक खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने अपने अब तक का सर्वोत्तम खेल का प्रदर्शन करते हुए गोला फेंक मुकाबले में 20.75 के साथ स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है।